गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर थर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज। नाउ स्टार्ट। आंसर दीज क्वेश्चंस मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग पिक्चर्स इन प्रॉपर ऑर्डर मींस निम्नलिखित चित्रों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी नीचे ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें इन पिक्चर्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो बच्चों, हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे। बच्चों, सबसे पहले फार्मर यानी किसान सीड यानी बीज बोता है, तो इस पिक्चर पर हम लिखेंगे नंबर वन। फिर वह पानी देता है, तो इस पिक्चर पर हम लिखेंगे नंबर टू। फिर वह अपने पैरों को पटकता है, तो इस पिक्चर पर हम लिखेंगे नंबर थ्री। और सारा काम पूरा होने के बाद वह लास्ट में क्लैपिंग करता है, तो इस पिक्चर पर हम राइट करेंगे नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु ग्रोज ओट्स एंड बीन्स एंड बार्ले मींस ओट्स और बीन्स और बार्ले कौन उगाता है। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने राइट करना है द फार्मर ग्रोज ओट्स एंड बीन्स एंड बार्ले मींस ओट्स और बीन्स और बार्ले किसान उगाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द राइमिंग वर्ड्स मींस राइमिंग वर्ड्स को मैच कीजिए। यानी जिन वर्ड्स की साउंड सेम है, यानी तुकबंदी वाले शब्दों को हमें मिलाना है। फर्स्ट वर्ड इज ग्रो, ग्रो का राइमिंग वर्ड है नो, तो हम ग्रो को नो से मैच करेंगे। सेकंड वर्ड इज हैंड, हैंड का राइमिंग वर्ड है लैंड, तो हम हैंड को लैंड से मैच करेंगे। थर्ड वर्ड इज ग्राउंड, ग्राउंड का राइमिंग वर्ड है अराउंड, तो हम ग्राउंड को अराउंड से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री थिंग्स दैट अ फार्मर ग्रोज मींस किसान द्वारा उगाई जाने वाली किन्हीं तीन चीज़ों के नाम लिखिए। फर्स्ट इज वीट यानी गेहूं, सेकंड इज राइस यानी चावल, थर्ड इज मेज यानी मक्का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट मींस नीचे एक बीज के एक पौधे में विकसित होने के चित्र दिए गए हैं। नंबर देम करेक्टली मींस उन्हें उचित नंबर दीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले एक बीज लिया जाता है, यानी एक बीज उगाया जाता है, तो इस पिक्चर पर हम राइट करेंगे नंबर वन। फिर उस बीज को उगाने के बाद वह इस तरह से अंकुरित होता है, तो इस पिक्चर पर हम राइट करेंगे नंबर टू। फिर वह थोड़ा और बड़ा होता है, तो इस पिक्चर पर हम राइट करेंगे नंबर थ्री। फिर उसमें से और ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं, तो इस पिक्चर पे हम राइट करेंगे नंबर फोर। फिर उस बीज में से पौधा निकलने के बाद फूल बनता है, तो इस पिक्चर पे हम राइट करेंगे नंबर फाइव। और लास्ट में उस फूल का फल बन जाता है, तो इस पिक्चर पे हम राइट करेंगे नंबर सिक्स। बच्चों, आज आपने पेज नंबर 21 और 22 अपनी बुक में फिल करना है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड अपनी इंग्लिश की नोटबुक में भी राइट करनी है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।